परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी शादी को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन इसी से जुड़े हुए उनके कई और राज भी खुल रहे हैं। आज परिणीति चोपड़ा का एक और राज आपके सामने रखेंगे। ये बात है साल 2017 की। पहले साल 2017 में एक्ट्रेस का नाम असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई के साथ खूब जोड़ा जा रहा था। हालांकि परिणीति ने इस दावे पर मोहर कभी नहीं लगाई थी, लेकिन एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप की बात करके इस अफवाह को हमेशा के लिए दबा दिया। एक इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा ने बताया कि वो एक बार बहुत बुरे ब्रेकअप से गुजर चुकी हैं। वे कहती हैं कि ये मेरे जिंदगी का सबसे खराब वक्त था, वो वक्त जिसको मैंने झेला, क्योंकि मुझे इससे पहले किसी तरीके का रिजेक्शन नहीं मिला था। इस दौरान मैं बहुत बिखर गई थी। वह एक ऐसा दौर था जब मुझे सबसे ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की जरूरत पड़ी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब मैंने अपनी लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस किया। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प की। मैं अपने लिए भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। इसके कारण मैंने अपने लिए काफी सकारात्मकता देखी और सकारात्मक रूप से अपने में बदलाव भी किए। वो चाहे मैच्योरिटी हो या ठहराव, सब कुछ उस फेस की वजह से मैंने सीखा। यदि आप ब्रेकअप से टूट जाते हैं तो ये आपके लिए एक सीख की तरह है। इस तरीके से परिणीति चोपड़ा ने अपने ब्रेकअप के बारे में जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि ब्रेकअप क्या उनका असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई के साथ ही हुआ था, लेकिन माना जाता है कि परिणीति चोपड़ा का रिलेशन चरित के साथ था और उनका ब्रेकअप काफी बड़ी वजह के साथ हुआ था।